विद्या एक किरण उम्मीद की। लैपटॉप कहाँ है मेरा? सॉरी तो मैं बुलवाऊंगा ही, पर ये सॉरी किस लिए था? कल रात एक बार फिर से मैंने एक चीज सीखी है, बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ भी नहीं करना चाहिए। वंशिका को तुम्हारे कमरे में देख के मैंने न जाने क्या कुछ बोल दिया, पर मैं ये कैसे भूल गई कि चाहे तुम बदतमीज हो, बददिमाग हो, गुस्सैल हो, पर तुम्हें माँ के दिए हुए संस्कार भी हैं, और इन्हीं संस्कारों की वजह से तुमने वंशिका को कल रात अपने आप से दूर किया, है ना? एक चाकू लो और मुझे सुधारने की उम्मीद का फूल जो तुम्हारे दिल में पनपने लगा है उसे काट दो, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारी नफरत का जंगल बहुत तेजी से घना होता जा रहा है। फूल तो नहीं पनपा है, पर उम्मीद की एक किरण जरूर जागी है। तुम मुझे दुख पहुंचाने के लिए चाहे कुछ भी बोल लो, पर मैं जानती हूँ तुम कुछ करोगे नहीं, और ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है रोहन, ताकत है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर जो एक अच्छा इंसान बसता है उसकी एक छोटी सी झलक है, और उम्मीद की इसी किरण के सहारे मैं तुम जैसे इंसान को सुधारूंगी। और जो वचन मैंने सिंघानिया सर को दिया था उसे पूरा करके दिखाऊंगी। मुझे सुधारोगी, रोहित आर्यन को शैतान कभी सुधारता नहीं, याद रखना। याद करो वो रात, वो हैवानियत की रात। तबाक, ये होता है शेर के शिकार का स्टाइल। मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूंगा, जिसको देख के तुम उसे ये कहोगी कि काश रोहित आर्यन ने मेरी टांग तोड़ी होती, ये ना किया होता। जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र, ये मेरी प्यार की निशानी नहीं है, ये मेरी हैवानियत की निशानी है। अपने आप पे बहुत गर्व है ना, तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें अपने उसूलों से नफरत हो जाएगी। ये मत भूलो कि मेरी जान चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी नफरत हमेशा जिंदा थी। मैं कभी सोचता हूं कि मुझे धरती पे भेजा ही क्यों गया, फिर याद आता है कि शायद राक्षसों को मुझे डर लगने लगा होगा, मेरे डर से कांपने लगे होंगे, इसलिए मुझे यहां भेज दिया अपने आप को बचाने के लिए। तुम भी अपने आप को मुझसे बचाने की कोशिश करो, समझे तुम? अंत तक आपका साथ दे, उसे उम्मीद कहते हैं।
और मैं ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर एक फोन माँ होता ना, तो मैं कब का उस विद्या शर्मा को खत्म कर चुकी होती। पता नहीं कैसा साया पड़ा है उसका मेरे और रोहित पर। ऐसी नजर लगी है उसकी कि हम दोनों भी लड़ने लगे। अरे इसीलिए तो कहा था ना मैंने तुम्हें कि दूर रहो उस विद्या शर्मा से। चार के फन से ढसने वाली सांप है वो। और वंशिका, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लेना, एक दिन रोहित भैया उसके होके रह जाएंगे और तुम देखते रह जाओगी। रोहित को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, ना विद्या और ना ही दुनिया की कोई ताकत। सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। और अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। वंशिका तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम भैया से बहुत प्यार करती, पर यहाँ सिर्फ विद्या ही नहीं बल्कि मम्मी और पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी प्यार की गहराई को ये समाज कभी नहीं देख सकता। तुम्हारे और भाई के रिश्ते को नजायज कह के ये उस पर कलंक लगा देंगे और कुछ नहीं। मैं फिर भी लड़ूंगी, फिर भी लड़ूंगी मैं। तुम्हें लड़ना होगा, लेकिन गुस्से से नहीं, होशियारी से। भैया अभी बौखलाया हुआ है, शायद विद्या की नफरत में। वो तुम्हें अपने आप से दूर रखना चाहेगा और ऐसे में तुम्हें विद्या को भैया से दूर रखना पड़ेगा। भैया के दिल में विद्या के लिए नफरत के अलावा और कोई भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। अरे ये क्या, अभी अभी स्कूल से लौटी हो और आती काम में लग गई। चलो जाकर आराम करो, मैं ये कर लेती हूँ। माँ मैं कर रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा तो अब मेरे किचन पर भी कब्जा कर लोगी, जो मैं होने नहीं दूंगी। ना मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप ये काटिए, मैं टमाटर काटती हूँ। पता है माँ, मेरी माँ मुझसे बचपन में ही दूर हो गई थी। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। जब से आपसे मिली हूँ माँ की कमी पूरी हो गई। बेटा मैं ये कब से सुनना चाहती थी, आज सुनकर बहुत अच्छा लगा। पता है बेटा, रोहित रोहित बहुत अच्छा है, लेकिन उसके गुस्से से ना बहुत डर लगता है। वो एक बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो अपने पति होने की जिम्मेदारियां और फर्ज अच्छी तरह निभा रहा है ना? माँ आप रोहित पे विश्वास क्यों नहीं करती? रोहित अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। और माँ किसी के अतीत के चश्मे से अगर उसके वर्तमान को देखा जाएगा ना, तो सब कुछ धुंधला नजर आएगा। और जहाँ तक बात हम दोनों के रिश्ते की है, तो मैं हर एक दिन को एक नई उम्मीद के साथ देखती हूँ। बेटा मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, रोहित की कितनी बातें ना तू मुझसे छिपाती है। अब जैसे कल कमरे के बाहर सोना, ये सब देखकर ना मुझे थोड़ी परेशानी होती है। खैर छोड़ो, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब ये तो बताओ तुमने आज रात को सोने के बारे में क्या सोचा है? अरे तुम लोगों के कमरे में तो वो केमिकल्स की स्मेल होगी ना? जी माँ, पर अब तक हमने उस बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे तो सोचना क्या, मेरे कमरे में सो जाओ ना। माँ क्यों चिंता कर रही है? उधर पापा भी यही बात कर रहे हैं। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं और रोहित कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। मेरे घर पे आके मुझे मेरे कमरे से निकालेगी, देखता हूँ कैसे निकालती है। रोहित, रोहित बस, प्लीज ये सब मत करो। यहाँ बहुत स्मेल है, तुम इस कमरे में नहीं रह सकते। प्लीज चलो बाहर हॉल में सो जाओ। रोहित प्लीज, प्लीज जिद मत करो। मैं
मैं ये तुमसे जीतने के लिए नहीं कर रही हूँ। यहाँ सोना मुश्किल है, प्लीज बाहर चल के सो। सांस भी लेती हो तुम मुझसे जीतने के लिए, इसे अपनी महानता की पट्टी पढ़ाना बंद करो। तुम मुझे दिखाना चाहती हो ना कि कैसे रोहित आर्य विद्या शर्मा की उंगलियों पे नाचता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी तुम? दफा हो जाओ, आउट। उसे उसकी औकात दिखाकर बहुत अच्छा किया तुमने। क्या हुआ, रुक क्यों गई? या धक्के मार के इस कमरे से निकाला जाएगा तो ही जाओगी? वैसे उसके लिए भी तैयार हूं मैं। बोलो। ये मेरा कमरा है और मुझे अपने कमरे से निकालने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। रोहित, अभी की अभी इसे इस कमरे से निकाल। वो तो जा ही रही थी पर तुमने ताना मार के उसे रोक दी। अब तुम समझो और वो। क्या मतलब? रोहित, फिजूल की बातें बंद करो और धक्के मार के इसे यहां से निकालो। वो ऐसा नहीं करेगा। यू शट अप। रोहित वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूंगी। करना पड़ेगा। रोहित, तुम्हें मेरी कसम, अभी के अभी इसे इस कमरे से निकाल। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास इस चीज के लिए कोई वक्त नहीं है। वक्त नहीं तो निकालो वक्त। वैसे भी इसे इस कमरे से निकालने के लिए कितना वक्त लगेगा? मैं कुछ नहीं जानती। अभी के अभी इसे निकालो यहां से। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम मुझे मना कर रहे हो? जिस लड़की ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम उसे मना कर रहे हो? इसके लिए? रोहित, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। तुम अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। खुश कर लिया तमाशा, अब जाओ यहां से, जाओ, मुझे सोना है।
तुम्हारे मुंह को बंद रखने की शर्त पे मैंने तुम्हें यहां रखा था, लेकिन शायद मेरा ही दिमाग खराब था कि मैं तुम पे विश्वास किया। मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया तुमने। तुम बेवकूफ हो या दुश्मन जो प्यार के नाम पे मेरा चैन छीनना चाहती हो। शादी के दिन तुम मेरे बेडरूम में आ गई और फिर बार बार छुप छुप के मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। पता नहीं वो कौन सा बुरा वक्त था कि मैं तुमसे मिला, तुमसे। तुम जैसे लोग मेरी जिंदगी में हो ही क्यों? क्यों? तुम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हो जिसने रोहित आर्यन का सिर्फ प्यार देखा है, जिसने मेरा गुस्सा देखा है। वो जिंदा लाश बन के घूम रहे हैं। विद्या की तबाही मेरी जिंदगी का एक लौता मकसद है, जिसके लिए मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूं, हमारे रिश्ते को भी, तुम्हें भी। उस धोखे और विश्वासघात के लिए जो मेरा दोस्त बनकर तुमने मुझे दिया, ये थप्पड़ किसी औरत के पति पर नजर डालने के लिए, और ये एक इज्जतदार इंसान मेरे पापा को जलील करने की नाकाम कोशिश के लिए। सुहाग की सारी निशानियां मेरे पास है वंशिका। ये मंगलसूत्र, मेरी मांग में ये सिंदूर, ये सब मेरा है, इन पे मेरा हक है, और तुम्हारी कोई भी चाल ये हक मुझसे नहीं छीन पाएगी। रोहित, तुम्हें मेरी कसम, अभी के अभी इसे इस कमरे से निकाल। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम जिद्दी हो पर ना समझ नहीं। रोहित, तुम यहां ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना,
ये सोच के कि शायद मैं अपनी जीत की खुशी मना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है रोहित। मैंने जो कुछ भी कहा वो जिद में कह दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वंशिका के सामने तुम छोटा महसूस करो या फिर तुम्हें किसी बात के लिए बुरा लगे। और यहाँ सोते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी। वैसे अच्छा लगा मुझे कि वंशिका की जिद करने के बाद भी तुमने मुझे अपने कमरे से नहीं निकाला। चाहे तुम इस रिश्ते को मानते नहीं हो पर आज तुमने हमारे इस रिश्ते को मान जरूर दिया है। चुप। बिल्कुल चुप। मैं यहां सोने आया हूं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। और किस रिश्ते को मान के तुम बात करे? एक बात समझ लो, हमारे बीच सिर्फ नफरत का रिश्ता है जिसमें मान मर्यादा का एक अंश भी नहीं। और यही बात उस वंशिका की, मैं उससे प्यार करता हूं, उसे चाहता हूं, हमेशा करता रहूंगा।